अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका अपना सलमान अहमद एक बार फिर ओबीडी टू प्रोडक्ट के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ओबीडी टू कार टूल्स पूरे पाकिस्तान में कार डायग्नोस्टिक टूल का एक बातमान इदारा है। हम लोग लॉन्च जी स्कैन टू एक्स टूल ओबीडी स्टार सी जी हैंड केयर के पाकिस्तान में ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स हैं। हम पिछले कई सालों से आपकी जो से आफ्टर सेल सर्विस और टूल्स की प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इन वीडियोस का बनाने का मकसद हमारा ये है कि मार्केट में जो स्मगल शुदा और अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं उनसे आपको बचा जा सके आप लोग, और आपको एक अच्छी मियारी और डीलरशिप आइटम जो हैं प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड हों। इन मेरी वीडियोस में आपको उनकी टूल्स के किस तरह यूज़ करते हैं, रजिस्ट्रेशन, अपडेट, इन सब की मालूमात प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है मेरी वीडियोस वो वक्त पर आपको मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। साथ ही व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, और व्हाट्सएप, वी चैट, मेरी वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहे हैं, इस पर आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी किस्म का कोई भी आपने प्रोडक्ट का मालूमात लेनी हो वो हमसे ले सकते हैं। आज इस टूल का मैं बताऊंगा बेसिकली वो एक्स टूल का एक्स 100 पैड है, की प्रोग्रामर है, उसके मतलब मैं आपको बताऊँगा, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊँगा और फिर उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन आपको दूँगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, इसके अनबॉक्सिंग की तरफ चलता हूँ। एक्स टूल एक्स 100 पैड की जो की प्रोग्रामर है, ये मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जब आप इसको हमसे परचेज करेंगे। देखिए व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले ये इसका मेन टैब है, मेन होस्ट, जिस पे आप की प्रोग्रामिंग को अपने करेंगे, डिस्प्ले सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें। फिर इसके अंदर एक ये इनवेलप होता है जिसमें एक इसका ये सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट समझने, इसमें ये आपका सीरियल नंबर जो एक्स 100 पैड का, और जब इसको एक्टिव करते हैं तो इसका एक्टिवेशन कोड, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डेमो में आपको बताऊँगा कि किस तरह करते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसमें इसकी ये पैकिंग लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इस पैकिंग लिस्ट में डिटेल होती है कि कौन कौन सा कनेक्टर जो है इसके अंदर मौजूद है और हम आपको साथ वो देंगे इसको। उसके बाद इसमें ये यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल में ये सारा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसको किस तरह ऑपरेट करना है या किस तरह अपडेट करना है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेमो में दिखाऊँगा कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद ये इसका मेन वायरलेस ब्लूटूथ है जो कि गाड़ी में लगता है और गाड़ी से फिर आप इसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ आप ये नीचे देख रहे हैं सीरियल पोर्ट है, इसमें ये एक इसकी मेन केबल होती है, ये 16 पिन वाली, सॉरी सीरियल पोर्ट ये होती है, इसको हम इसके साथ लगाएंगे, इस तरह लगाते हैं इसको और यहाँ से इसका पेज टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे कनेक्टर्स में ये 16 पिन OBD2 एक कनेक्टर होता है, 16 पिन वाला जो यूनिवर्सल होता है, उसके भी नीचे आपको ये सीरियल पोर्ट नज़र आएगी, उसमें ये लगाया जाता है इस तरह। ये इस तरह रेडी हो जाता है और ये साइड जो है आपकी गाड़ी में लग जाती है OBD2 पोर्ट में, फिर ये ऑन हो जाता है और इसमें आप जो है ना अपने टैप के ज़रिए प्रोग्रामिंग करते हैं, इमोबिलाइज़र की प्रोग्रामिंग, पिन कोड वगैरह हर चीज़ की प्रोग्रामिंग के लिए ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल होती है। फिर इसमें जिस तरह मैंने पैकिंग लिस्ट में बताया था कि यही कनेक्टर्स होते हैं, इसमें ये आप देख रहे हैं होंडा 3 पिन, ओल्ड मॉडल होंडा का 3 पिन कनेक्टर ये होता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर किया होंडाई 10 पिन वाला किया होंडाई गाड़ी के लिए होता है। उसके बाद इसमें एक और होता है किया 20, ये लिखे हैं किया 20 पिन, किया की गाड़ी है जिसमें 20 पिन का ये ग्रिप होता है, उस ग्रिप में ये लगता है और इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही
इसमें एक ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स में आपको इसका चार्जर मिलेगा, ये देख रहे हैं, दो एडाप्टर होंगे इसमें, एक ये वायर वाला और एक यूएसबी केबल वाला। यूएसबी केबल इसकी ये रही, ये यूएसबी केबल यानी कि आप किसी भी उससे इसको चार्ज कर सकते हैं, वो लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर वगैरह से, सॉकेट से, कोई भी यूएसबी सॉकेट होती है उससे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद इसमें ये मेन ई प्रोम एडाप्टर होता है जिससे आप ई प्रोम की रीडिंग की जाती है। ई प्रोम एडाप्टर क्या चीज़ ये होता है, इसके साथ ये आप देख रहे हैं ये बेस होती है, इसमें आपको ये छोटी कुछ आईसीज होती हैं किसी गाड़ियों में जो उनको निकाल के इस बेस में बिठा के फिर इसको इस तरह लगाते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं इस साइड से, और फिर इस साइड पे ये केबल लगा के इसको रीड किया जाता है, ई प्रोम एडाप्टर कहलाता है। इसके ज़रिए फिर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, की प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी सारी प्रोग्रामिंग है वो ई प्रोम एडाप्टर के ज़रिए होती है। तो और दूसरा इसमें दो बेसें होती हैं, एक ये वाली बेस है, एक और बेस एक्स्ट्रा होती है, दो बेसें इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये जब भी आप हमसे परचेज़ करेंगे ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसमें मिलेंगी, और इसकी भी जो है हमारे पास पूरे पाकिस्तान में डीलरशिप है, और ये एक डीलरशिप आइटम है जिसमें आपको ये प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल एक्स टूल की अवेलेबल होगी हमारे पास, आप ले सकते हैं। देखें पीछे इसका एड्रेस वगैरह हर चीज़, सीरियल नंबर, ये कंपोज होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डेमो आपको दिखाऊंगा। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और उससे आपकी मालूमात में बहुत इजाफ़ा हुआ होगा, और इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टूल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। किसी भी किस्म की और किसी वीडियो को आप चाहते हैं किसी प्रोडक्ट की, किसी टूल की, के उससे मालूमाती वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएँ तो हमें कमेंट्स में आप लिखें, वो भी इंशाल्लाह वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें, व्हाट्सएप, वी चैट, मेरी वेबसाइट और कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हैं, आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म के प्रोग्रामर का, स्कैनर का, आईसी प्रोग्रामर्स का आपने हमसे पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।